नमस्कार, साधना प्लस पर देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारतीय जनता पार्टी असंख्यक मोर्चा की पहल, काशीपुर क्षेत्र के हर गांव और हर घर को किया गया सैनिटाइज, कोरोना पर लगातार जानकारी। प्रदेश में आप द्वारा चलाई गई मुहिम, हर गांव हर शहर कोरोना मुक्त कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम के तहत लोगों की होगी जांच। मसूरी के ग्राम सभा खैरकुली पहुंचे कैबिनेट मंत्री, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत किया शिलान्यास, मौके पर कांग्रेस के विधायक पर साधा निशाना। और सितारगंज में 18 प्लस शिक्षकों की लगी कोरोना वैक्सीन, फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में शिक्षक है कार्यरत, एसडीएम मुक्ता मिश्रा ने पहुंचकर किया निरीक्षण। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली दौरे के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुलाकात कर उनसे कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6,60,000 से ज्यादा पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं और राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र 1 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमेटी में अनुमति लेने के लिए भी अनुरोध किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही सीएम ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत से मिलकर मुख्यमंत्री और सीडीएस के बीच उत्तराखंड में रक्षा निर्माण और एयरपोर्ट निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की और इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड से एक प्रतिनिधिमंडल सीडीएस विपिन रावत से मिलेगा। और इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, हम देख रहे हैं कि राज्य के लोगों के लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना काल की चुनौती हो या फिर योजनाओं का लाभ जनता को मिलना हो। ऐसे में दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने रक्षा मंत्री और जल मंत्री से मुलाकात की है और तमाम चीजों की जानकारी उन्हें दी और तमाम योजनाओं को लेकर उनसे अनुमति का आग्रह भी किया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर बने हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक बार ही दिल्ली गए, उसके बाद उनको दिल्ली में जाना था यहाँ पर कई योजनाओं के बारे में, कहीं योजना यहाँ लानी थी क्योंकि 2022 में यहाँ पर चुनाव होने हैं और कहीं चर्चा भी होनी है वहां पर जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोरोना काल एकदम आ गया, उसके बाद कोरोना की स्थिति को संभालने में ही तीरथ सिंह रावत लगे और उनका भी अगर कहें तो उसके बाद यहाँ पर कल वो देर शाम वहां पर पहुंचे हैं दिल्ली और आज उन्होंने विभिन्न मंत्रियों से वहां पर मुलाकात करी और जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है उस पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है उसके बारे में चर्चा की, कहीं विभिन्न योजनाएं जो यहाँ की बना के ले गए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने यहाँ के लिए विभिन्न योजनाओं पर वार्ता भी की। बिल्कुल कमल जी, और सुरक्षा को लेकर जो मुलाकात की बात कही है, प्रतिनिधिमंडल सीडीएस विपिन रावत से मिलेंगे, इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तीरथ रावत की मेहनत जो है और दिल्ली दौरा उत्तराखंड के लोगों के लिए रंग लाएगा? जी पूजा, लगातार अगर कहें तो यहाँ पर जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, जिसकी यहाँ राज्य में सरकार है उसी केंद्र में सरकार है, तो डबल इंजन का भी यहाँ पर सरकार को मानक बताया जाता है। तो उसी लिए यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं क्योंकि लगातार विपक्ष यहाँ पर बातें उठाता रहता, बयानबाजी करता रहा, जब डबल इंजन की सरकार है उसके बाद जो विकास कराने नहीं है तो फिर डबल इंजन की सरकार कहाँ रही। तो इसीलिए जो यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री हैं लगातार वहां पर दिल्ली जाते हैं और ये तीरथ सिंह रावत जब से बने हैं नहीं जा पाए थे कि कोरोना काल चल रहा था, यहाँ की व्यवस्थाओं में लग गए किस तरह से कोरोना कम हो, कैसे उसको रोका जाए, कैसे पॉजिटिव रोका जाए, तो इसके बाद कल देर शाम वहां पर पहुंचे हैं और आज वहां पर कई मंत्रियों से मिले हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, शेखावत से मिले हैं, विपिन रावत से मिले हैं, तो कई लोगों से यही मिलकर जो यहाँ की योजनाएं चल रही हैं जो केंद्र की उनके बारे में जानकारी दी है और जो नई योजनाएं चलनी है उनके बारे में उनसे आग्रह किया है, क्या है कि इसकी आवश्यकता है राज्य को। तो इसके लिए क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ही लगभग 6 महीने का समय रह गया, यहाँ पर चुनाव भी विधानसभा के चलाने, तो कहीं ना कहीं उन तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो रावत का वहां माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या, बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार नहीं पड़ेगी, हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करती है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में दो बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू इतना क्यों खांस रहे हो? अभी तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मैं से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है क्या दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे दो तीन दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं दो तीन दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जाँच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है। समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जल्द से जल्द।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना के कहर से लगातार पर्यटन व्यवसाय खराब हो रहा है, जहां इसे बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहल की है और उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र भेजकर चारधाम यात्रा खोलने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि डबल वैक्सीनेशन वाले श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर जाने की इजाजत सरकार को दे देनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश व्यवसाय कुछ हद तक पटरी पर लौट सकेगा व यात्रा चलने से सरकार को भी राजस्व मिल सकेगा। जो हमारी यात्रा है, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो गया है उनके लिए हमको इस यात्रा को ओपन कर देना चाहिए, और जो हमारे पंडित पुरोहित हैं अगर उनमें से किसी का डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीनेट कर देना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, ताकि जो हमारी यात्रा है, देखो हमारी यात्रा का सीजन है जून का महीना, जुलाई से तो वैसे ही बारिश के कारण 25 जून के बाद वैसे। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का। उसी क्रम में काशीपुर नगर क्षेत्र के घर और गांव को सैनिटाइज किया गया, जिसका शुभ आरंभ स्थानीय निजी शॉपिंग मॉल में बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष राम मल्होत्रा और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इंतजार हुसैन द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सैनिटाइजिंग अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभाओं में और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में कोई गांव हमारा छूटना नहीं चाहिए, कोरोना मुक्त होना चाहिए, इस आशा के साथ हम पूरे प्रदेश के अंदर आज हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के एक एक कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में। और आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के हर गांव हर शहर में कोरोना मुक्त कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत रामनगर विधानसभा में 31 टीमों का चयन किया गया, जो अब हर गांव हर शहर में जाकर ऑक्सीजन और लोगों का टेम्परेचर नापने का काम करेगी और जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा या ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उन लोगों को डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दवाई की किट भी दी जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा पार्टी ने डॉक्टरों का मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन करके दवाई के लिए बात कर सकता है। उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने बातचीत को इस दौरान बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भगवान राम का रूप कहा गया है, जो गरीबों के हित के लिए आए हैं। देखिए, हमने जो है कि पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में हर घर हर गांव कोरोना मुक्त का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसी के तहत आज रामनगर विधानसभा में भी हमारे साथियों द्वारा 31 टीमें बनाई गई, जो हर घर जाकर के टेम्परेचर और ऑक्सीजन नापने का काम। और खबरों के बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ती गई तो तुम नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है।
इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में दो बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड 19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, मिर्च से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। दो तीन दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं दो तीन दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जाँच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है। समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जल्द से जल्द। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। मसूरी में ग्राम सभा क्यारकुली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं, जहां 80 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि वो जल्द ही अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेसी विधायक पर निशाना साधा, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को जनता देख रही है। और अभी करोड़ों रूपये के काम हमने यहाँ पर करा चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। आज लगभग 80 लाख की शिलान्यास और लोकार्पण हमने यहाँ पर किए हैं। अभी कुछ मांग पत्र मुझे दिए गए थे, मैंने तुरंत उनको स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रही है। मैं शीघ्र ही अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूँ कि 10 साल के अंदर मैंने मसूरी के लिए क्या किया और 10 साल उससे पहले। और क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने जिले के पर्वतीय इलाकों का दौरा किया है, जहां उन्होंने कई वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने पदमपुरी में राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कोविड 19 सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। आंगन में पहला वृक्ष रोपित करने के बाद हर हॉस्पिटल में जहां जहां आज हम गए हैं वहां पर हमने वृक्षारोपण किया है, ताकि जागरूकता बढ़ते रहे और पर्यावरण जो हम स्वच्छ और साफ बनाते हैं उसके प्रति एक संदेश देने का प्रयास भी हमारी तरफ से हो सके।
और सितारगंज में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्यरत अध्यापकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद से रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य रवि रस्तोगी और उनकी टीम द्वारा टीकाकरण कराने में अपना सहयोग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जीजीआईसी इंटर कॉलेज में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाने पर वैक्सीन सेंटर पर एसडीएम मुक्ता मिश्रा ने पहुंचकर निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन कैंप अर्बन एरियाज में संचालित हो रहे हैं, उसमें जो रेडक्रॉस सोसाइटी सितारगंज है वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। जहां पे जो कमी है, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है, सहयोग की कमी है, उसकी पूर्ति रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा की। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।